क्या हाल है ट्रेविटेकियंस? ट्रेविटेकियंस आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बेस्ट 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको 30,000 रुपए तक की रेंज में देखने के लिए मिलते हैं। और ये स्मार्टफोन दोस्तों इतने अमेजिंग हैं कि अभी तक के सबसे बेस्ट हैं और कोई इनको बीट ही नहीं कर सकता। तो आज बात करने वाले हैं इनके बारे में। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं बेस्ट 5 फोन्स अंडर 30,000। तो दोस्तों यहां पे हमारी बेस्ट 5 की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे निकल के आता है ऐसा स्मार्टफोन जिसका गेमिंग और कैमरा में कोई तोड़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों Redmi के 50i के बारे में। इसमें दोस्तों आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8100 का 5G प्रोसेसर, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज और यहां पे दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें दिया जा रहा है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पे बैटरी की बात की जाए तो 5080mAh की बड़ी बैटरी भी इसमें दी गई है दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन की इंडस्ट्री में दोस्तों जब ये फोन लॉन्च हुआ था और अब तक दोस्तों सबसे बेस्ट गेमिंग फोन कहा जाता है इसको इस प्राइस सेगमेंट में। प्राइस सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको 22,990 रुपए में देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। लिंक सबके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों बेस्ट गेमिंग और कैमरा फोन ये होने वाला है। लिस्ट में दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास IQ का फोन निकल के आता है दोस्तों, IQ Neo 6 दोस्तों। ये भी दोस्तों जबरदस्त फोन है, हालांकि दोस्तों लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक का बेस्ट स्मार्टफोन इसको कह सकते हैं आप इस प्राइस सेगमेंट में। क्योंकि अगर IQ Neo 7 की बात की जाए तो उससे भी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बहरहाल दोस्तों कुछ कमियां जरूर IQ Neo 7 में आपको मिल सकती है लेकिन यहाँ पे 6 की अगर बात की जाए, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट में कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए, इसमें आपको 6.62 इंच का E4 AMOLED डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 64 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यानी 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल कैमरा यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। वही फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर भी देखने के लिए मिल जाता है। 4700mAh की यहां पे बैटरी आपको दी जा रही है दोस्तों। और इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस निकल के आता है 24,999 रुपीज दोस्तों। ये ऐसा फोन है जो मार्केट में अपना दबदबा काफी लंबे टाइम से बनाए हुए और काफी लंबे टाइम तक रहेगा। अब यहां पे दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा फोन है दोस्तों जो आपको एक फ्लैगशिप फील देने वाला है। मतलब कुछ लोग हैं जो जिनको चाहिए कर्व डिस्प्ले फ्लैगशिप वाला फोन, आपको यहां पे हाथ में लेने में एक अलग सी फील आए, तो यहां पे ये फोन आपके लिए होने वाला है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों Realme 10 Pro Plus के बारे में। काफी अमेजिंग फोन है दोस्तों, ये भी आपको 6.7 इंच के फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, MediaTek Dimensity 1080 का प्रोसेसर। इसमें दोस्तों रैम के 3 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, 6GB, 8GB और 12GB, 128GB स्टोरेज, 256GB यहां पे आपको स्टोरेज के दो ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। वहीं कैमरे की बात की जाए तो 108 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको देखने के लिए मिलता है 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ। दोस्तों यहां पे काफी स्टाइलिश और फ्लैगशिप फील के साथ ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है और अभी तक का बेस्ट स्मार्टफोन है। इसका प्राइस दोस्तों निकल के आता है 24,999 रुपीस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पे बात हो गई फ्लैगशिप फील वाले फोन की, लेकिन दोस्तों यहां पे एक फोन ऐसा भी है जो फ्लैगशिप किलर के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप किलर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रियलमी के एक और फोन के, रियलमी GT Neo 3T के बारे में दोस्तों। काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स को इसने पेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, असली है ये लोंडा। तो काफी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन इसके साथ ये फोन लॉन्च हुआ था दोस्तों, और अभी तक बेस्ट प्राइस सेगमेंट में दोस्तों बेस्ट स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां पे दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, इसमें दोस्तों 6.62 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का, थर्ड
2 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है। वहीं फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। रैम और स्टोरेज के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 GB 128 GB 8 GB 256 GB। वहीं दोस्तों अगर इसमें बैटरी की बात की जाए, इसमें बैटरी आपको मिलती है 5000 mAh की और प्राइस यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है काफी रीजनेबल, 22,999 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 23,000 रुपए से 1 रुपया कम यहाँ पे स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल रहा है। जबरदस्त स्मार्टफोन है दोस्तों, आग बंद करके आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 5th एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास एक ऐसा स्मार्टफोन निकल के आता है दोस्तों, जो अपने आप में कमाल का है और इस बजट सेगमेंट में ये स्पेसिफिकेशन अभी तक कोई दूसरा स्मार्टफोन नहीं देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन है दोस्तों मोटरोला S30 Pro, जो लॉन्च तो 40,000 में हुआ था लेकिन अभी प्राइस चल रहा है दोस्तों 30,000, और 30,000 के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिकेशन काफी जामफाड़ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसमें दोस्तों आपको 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 का प्रोसेसर, जो अपने आप में दोस्तों इसमें 4 चांद लगा देता है इस स्मार्टफोन में, मतलब इस स्मार्टफोन की खूबी है। 30,000 रुपए के बजट में दोस्तों Snapdragon 8 Generation 1 आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें दोस्तों आपको 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज और यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और 2 मेगापिक्सल का थर्ड, तो 60 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट सेल्फी शूटर आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं 4800 mAh की बैटरी के साथ ही स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस स्मार्टफोन के प्राइस काफी तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये डील तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक देख सकते हैं, वहां पे अभी दोस्तों प्राइस 30,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहरहाल दोस्तों आगे क्या प्राइस होने वाला वो देखने वाली बात है। ये थे मेरे बेस्ट 5 फोन दोस्तों, अगर आपकी लिस्ट में कोई बेस्ट 5 फोन है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आपको ये फोन्स कैसे लगे, इनकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी और TraviTech चैनल दोस्तों आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन की जरूर में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।